हेलो एवरीवन, सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए तो आज हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा डिस्कशन अकाउंटिंग की तरफ इंक्लाइंड होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड एक प्री पेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम लोग पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, बैंक आपको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देगा विच इज जस्ट अ प्लास्टिक कार्ड। उस प्लास्टिक के कार्ड को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप कितना पेमेंट कर सकते हो? जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल हो। तो सर ये काम कैसे करता है? जब आप किसी मॉल में किसी वेंडर को पेमेंट करते हो जिनके पास POS मशीन होता है, आप जब भी अपना कार्ड स्वाइप करते हो कि अकाउंट से पैसा निकल कर उस वेंडर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। मतलब आपके अकाउंट में से पैसा विड्रॉ हुआ और उस वेंडर, उस शॉपकीपर जिसको आपने पेमेंट किया है, उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आप उतना ही पैसा का पेमेंट कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी जितना आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है। आप उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो यूजिंग अ डेबिट कार्ड। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दो जर्नल एंट्रीज लेते हैं कि बायर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगा। मतलब आप ऐसा मानो कि आप एक फर्नीचर खरीदने के लिए आप होम टाउन गए। होम टाउन इज अ फर्नीचर सेलिंग शॉप। आप वहां पर गए और आपने 50,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया और आपने पेमेंट अपने ICICI बैंक के डेबिट कार्ड से किया। अब हम लोग अपने बुक्स में इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, बायर के बुक्स में वेरी सिंपल। देखिए सर, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर इज एन असेट। असेट जब भी हमारे बुक्स में आता है, जब भी हम लोग असेट को अक्वायर करते हैं, तो हम लोग असेट को डेबिट कर देते हैं। तो व्हाट विल बी डेबिटेड इज फर्नीचर। हम लोग फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर है सर? 50,000 रुपीज का। क्रेडिट किसको करेंगे? हम लोग हमारे बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है 50,000, ये हमारे बैंक से कट के, हमारे बैंक से निकल के सेलर के बैंक में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट। इट्स एज गुड एज कि आपने या तो कैश में परचेस किया, चेक देके परचेस किया, ऑलमोस्ट एज गुड एज वैसा ही है। जब आप कैश में परचेस करते हो तो फर्नीचर टू कैश, चेक देते हो तो फर्नीचर टू बैंक, डेबिट कार्ड से किया तो भी सेम। ठीक है, अब बात करते हैं सेलर के बुक्स में। आप अपने आप को सेलर बन के सोचो। हम लोगों ने फर्नीचर सेल किया सेम 50,000 रुपीज का एक कस्टमर को, और हम लोगों को पेमेंट कैसे मिला? कस्टमर की डेबिट कार्ड से। मतलब कस्टमर ने अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप किया और हम लोगों को पेमेंट किया। तो हमारे बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे आएगा? ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला सर, हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं, मतलब हमारा काम है फर्नीचर बेचने का, तो हम लोग फर्नीचर को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम लोग सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो टू सेल्स अकाउंट। ये तो एकदम क्लियर है। अमाउंट इज रुपीज 50,000। सर हम लोग डेबिट किसको करेंगे? क्या हम लोग कस्टमर को डेबिट करें? द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ क्रेडिट सेल्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम भी दिया होता तो भी हम लोग कस्टमर को डेबिट नहीं करते, क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। मतलब ये हम लोगों के लिए क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो हम लोगों को पैसा कैसे मिल रहा है? सर हमको पैसा हमारे बैंक में मिल रहा है। अभी हम आप लोगों को समझाया था, जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो या अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करते हो तो सीधा कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकल कर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक इज आवर असेट, असेट गेटिंग इंक्रीज, हम लोग बैंक को डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 50,000। एज सिंपल एज दैट। डेबिट कार्ड में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। डेबिट कार्ड इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बैंक पेमेंट। आपने बैंक से पेमेंट किया, सामने वाले ने बैंक में पैसा रिसीव किया। है वो क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड की तरफ। अब क्रेडिट कार्ड क्या? देखिए क्रेडिट कार्ड भी एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है जिसको यूज करके आप वो अमाउंट भी पे कर सकते हो, उतने अमाउंट तक का भी पेमेंट कर सकते हो जितना आपके बैंक में शायद अवेलेबल ही ना हो। या मान लो आपके बैंक में 50,000 रुपीज अवेलेबल है और बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया, उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप 50,000 से ज्यादा का भी पेमेंट कर सकते हो, या आपका वो अमाउंट इंटैक्ट रह जाएगा, आप क्रेडिट पे पेमेंट कर सकते हो। जब आप एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो
आपके बैंक में अवेलेबल बैलेंस को तुरंत डिडक्ट नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड पेमेंट इज बेसिकली लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन, वेरी शॉर्ट टर्म लोन जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप 30-45 डेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमसे क्रेडिट ले लो, आज आप पेमेंट कर दो एंड बैंक का जो क्रेडिट पीरियड होता है उसके बाद आप मेरे को एक पेमेंट वापस कर दें। बैंक इस पीरियड के लिए आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। दिस इज लाइक अ इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लोन। बैंक आपको छोटे समय के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30-45 डेज, ये डिपेंड करता है, हर बैंक का अपना अपना क्रेडिट पीरियड होता है, बैंक आपको उतने दिन के लिए फ्री में एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर। अगर आपने उस क्रेडिट पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं किया, मीन्स एक ड्यू डेट आता है, आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा, और जब आपका बिलिंग जनरेट होगा तो आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा बैंक के थ्रू, और बैंक आपको बोलेगा कि आपने क्योंकि इतना इतना खर्चा किया इस पीरियड में आप हमको पेमेंट करते, बैंक आपको एक ड्यू डेट बता देगा। अगर आपने उस ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं किया उसके बाद फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, अदरवाइज वो जो क्रेडिट पीरियड है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अकाउंटिंग समझते सर, बायर के बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगा? सबसे पहले देखिए जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। परचेज मशीन वर्थ ₹50,000 फ्रॉम एस्कॉर्ट लिमिटेड, ध्यान रखिएगा फ्रॉम एस्कॉर्ट लिमिटेड, एंड पेमेंट मेड वाया क्रेडिट कार्ड। ठीक है सर, हम लोगों ने मशीन परचेज किया, हम लोग बायर हैं, तो एक बात तो एकदम सिंपल है कि हमारे पास मशीन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये तो एकदम क्लियर है, मशीन इज एन असेट, मशीन आ रहा है, असेट आता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, मशीन बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे सर? क्या हम लोग एस्कॉर्ट लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे? सोचो आप लोग, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट पे बैंक से आपने क्रेडिट लिया है, आपने एस्कॉर्ट लिमिटेड से क्रेडिट नहीं लिया है। एस्कॉर्ट लिमिटेड जो सेलर है वो आपको उधार नहीं दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग यू क्रेडिट, आप बैंक से लोन ले रहे हो। ठीक है, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड को तो पैसा मिल गया, उसको कोई मतलब नहीं है, अभी मतलब है बैंक को आपसे और आपको बैंक से, क्योंकि आपने बैंक से उधार लिया। तो आप क्या करोगे, आप अपना एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, जो भी आपके बैंक का नाम है, मान लीजिए आईसीआईसी बैंक, सो टू आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड ₹50,000। तो सर आज हमारे बैंक से पैसा नहीं निकला, क्या दिया आंसर इज नो। आज तो आपको लोन मिला है, आपको लोन मिला है मतलब आपके बैंक से पैसा नहीं गया, जो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो इंटैक्ट है, आपको एक लोन मिला है, तो आपका लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, तो आपने एक लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया टू आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो सर इसका पेमेंट हमको कब करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा मान लीजिए 30-35 डेज के बाद आपके पास बैंक से एक बिल आता है कि सर क्योंकि आपने ₹50,000 का शॉपिंग किया था आप हमको उसका पेमेंट कर दो। जिस दिन हम लोग को पेमेंट करना होगा उस दिन हमारे बैंक से पैसा निकलेगा, हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सर हमारा ये जो लाइबिलिटी है आईसीआईसी बैंक का ये खत्म हो जाएगा, सो हम लोग इसको डेबिट करेंगे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ₹50,000। आज के डेट में हमारे बैंक से पैसा निकलेगा, इसके पहले नहीं, क्योंकि इसके पहले तक हम लोगों को बैंक से लोन मिले। अब आप लोगों को क्लियर है वाला क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट कार्ड देखिए काम कैसे करता है, अगर इस पर भी थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएं तो, इन जनरल देखिए क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड से अपने वेंडर को पेमेंट करते हो, आप देखिए वेंडर को कोई मतलब नहीं है, आप डेबिट कार्ड से दे रहे हो क्रेडिट कार्ड से दे रहे हो उनको मतलब नहीं है, उनको अपने पेमेंट से मतलब है। और आपको क्रेडिट कौन दे रहे हैं? बैंक। बैंक क्या करता है, एक बार उस वेंडर को पेमेंट कर देता है, उस सेलर को पेमेंट कर देता है, और बैंक वाला आपको बोलता है कि आप मेरे को ड्यू डेट पे अमाउंट पे कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेलर के बुक्स में क्या होगा? अच्छा, सेलर के बुक्स में सोचना बहुत आसान है, एक बार जर्नल एंट्री पढ़िए आप लोग। सोल्ड मशीन वर्थ ₹50,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड। हम लोगों ने कस्टमर को सेल किया और हम लोगों को जो पेमेंट मिला है वो कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से मिला। सर एज अ सेलर आई एम लीस्ट बदर्ड कि कस्टमर ने मेरे को डेबिट कार्ड से दिया क्रेडिट कार्ड से दिया कैसे भी दिया, मेरे पास पैसा आया बात खत्म, मेरे पास बैंक में पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग तो सेल कर रहे हैं, हमारा तो बिजनेस है मशीन सेल करना, सो बैंक टू सेल्स। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कस्टमर ने डेबिट कार्ड से दिया क्रेडिट कार्ड से दिया, ही इज लीस्ट बॉर्डर, उनको पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
अब आप यहां पर ना ये नहीं कर सकते हो कि सर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर कैश अज्यूम कर ले क्या, द आंसर इज नो, क्योंकि आपको आपके बैंक में ही पैसा मिलेगा तो आप कैश अज्यूम नहीं कर सकते, आपको बैंक ही अज्यूम करना। समझ में आप लोगों को? तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।